नवरात्रों को दिल्ली वाले माता को बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के मंदिरों में भी नवरात्रे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं या घूमने दिल्ली जा रहे हैं तो आपको दिल्ली के इन 5 मंदिरों में दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। सर्वप्रथम साउथ दिल्ली स्थित श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर दिल्ली के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इतना ही नहीं, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। मंदिर की स्थापना 1974 में हुई थी। यह मंदिर गुड़गांव मेहरौली मार्ग के निकट छतरपुर में स्थित है। यहाँ जाने के लिए आप दिल्ली मेट्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। येलो लाइन से हुडा सिटी सेंटर की ओर जाने वाली मेट्रो में छतरपुर स्टेशन है। बता दें कि यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी सजावट बहुत ही आकर्षक है। दक्षिण भारतीय शैली में बना यह मंदिर विशाल क्षेत्र में फैला है। मंदिर परिसर में खूबसूरत लॉन और बगीचे हैं। साउथ दिल्ली स्थित कालका जी मंदिर बेहद प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्ध पीठों में से एक है। माँ के भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। कालका काली का ही दूसरा नाम है। इस मंदिर को जयंती पीठ और मनोकामना सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। इस पीठ का अस्तित्व अनादि काल से माना गया है और हर काल में इस जगह का स्वरूप बदलता है। ऐसे मान्यता है कि काली माँ ने असुरों के संहार के लिए अवतरित हुई थी, तब से यह मनोकामना सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात है। मौजूदा मंदिर उनके परम भक्त बाबा बालकनाथ ने स्थापित किया था। मंदिर जाने के लिए आप मेट्रो का प्रयोग कर सकते हैं। कालका जी मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पर पड़ता है। सेंट्रल दिल्ली स्थित झंडे वाला देवी मंदिर का अपना ही एक ऐतिहासिक महत्व है। इस समय जिस स्थान पर यह मंदिर स्थापित है, पहले वह स्थान अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला थी। इस मंदिर की स्थापना को लेकर मान्यता है कि इस स्थान की खूबसूरती देखकर अक्सर लाखों लोग यहाँ साधना के लिए आते थे, जिनमें से बद्रीदास नामक एक व्यापारी भी शामिल था। एक दिन व्यापारी साधना में लीन था तो उसे लगा मानो यहाँ कोई मंदिर जो पहाड़ों में दबा हुआ है। तब व्यापारी ने जमीन की खुदाई करवाने का निर्णय लिया। खुदाई दौरान व्यापारी को यह मंदिर के कुछ अवशेष मिले। अवशेषों में उसे एक झंडा लगा हुआ मिला। उसके बाद से ही इसका नाम झंडे वाला रख दिया गया। इस मंदिर के लिए भी आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन पर पड़ता है। दिल्ली से थोड़ी दूर स्थित है शीतला माता मंदिर। शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी हैं। यहाँ साल में 2 बार 1-1 माह का मेला लगता है। इसके अलावा नवरात्रि में शीतला माता के दर्शन के लिए कई प्रदेशों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, पुराणों में भी शीतला माता का जिक्र है। स्कंद पुराण में शीतला देवी का वाहन गर्धर्व बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। शीतला मंदिरों में प्राय माता शीतला को गर्दभ पर ही आसीन दिखाया गया है। अगर आपको भी हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय भगवती।